नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे, और मैं मनोज पंडित। जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनाए दोस्तों, उस दिन से बहुत सारे चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, और ऑनलाइन होने के कारण दोस्तों आप आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि राशन कार्ड भी ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों, और ऑनलाइन होने के कारण दोस्तों उसमें आधार से लिंक कराना बहुत ही आवश्यक हो चुका है, और उसमें आधार से अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं दोस्तों आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। जो भी आपको चावल गेहूँ जो भी दिया जाता है दोस्तों वह बंद हो जाएगा। तो आप किस तरह से आधार को लिंक कर पाएंगे मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और सीख लीजिए, और अपने मोबाइल के माध्यम से आप किस तरह से कर पाएंगे मैं इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके राशन कार्ड में सभी सदस्य का नाम होगा दोस्तों, आप वहां पे देख पाएंगे कि सारे सदस्य का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसमें आधार कार्ड से लिंक करवाए हैं या नहीं करवाए हैं आप वह मोबाइल के माध्यम से चेक कर पाएंगे, और वह लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप किस तरह से लिंक करा पाएंगे, वो किस तरह से अपने भी कर पाएंगे मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आप करवाना चाहते हैं दोस्तों तो आप किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान में जाइए जहाँ पे ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है दोस्तों, आप वहाँ से आसानी से करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद से करें तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने आप कीजिए दोस्तों, वह सबसे अच्छा होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको मोबाइल के माध्यम से आप किस तरह से राशन कार्ड में अपने आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर में, और आपको वहाँ पे सर्च करना है आहार डॉट झारखंड। आहार डॉट झारखंड टाइप करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ लिंक आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सर्च करते हैं आहार डॉट झारखंड, और टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है दोस्तों। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक आपके सामने दिखाई देंगे दोस्तों, आपको इसे देख लेना है एक एक करके। और देखने के बाद दोस्तों आपको कौन से लिंक पे जाना है वह हम बताने वाले हैं दोस्तों। आपको जो सबसे फर्स्ट में जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से कर पाएंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद दोस्तों आप किस तरह से और कहाँ से कर पाएंगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। आपके सामने जो ऑनलाइन सेवा दिखाई दे रहा है ऑप्शन मेनू, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके सामने बहुत सारे मेनू भी खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मेनू खुल चुके हैं दोस्तों। और पाँच मेनू में से आप किस मेनू पे जाएंगे मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप देखते रहिए दोस्तों। आपको आपके सामने जो सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन, उस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करते हैं यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद दोस्तों आपको धीरे धीरे ऊपर करते जाना है, और ऊपर करते हुए जाने के बाद दोस्तों आपके सामने एक बटन दिखाई देंगे, उस बटन का नाम है प्रोसीड दोस्तों। उस बटन पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। चलिए हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, और चलने के बाद दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको ये पेज किस तरह से है दोस्तों। ये पेज इस तरह से दिखाई देंगे आपके सामने। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है दोस्तों उस पर क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे दोस्तों। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट नंबर में सुधार या परिवर्तन, दूसरा परिवार के सदस्य को जोड़ना, और तीसरा डीलर बदलना, और चौथा मुखिया परिवर्तन, और चौथा मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन, नया राशन कार्ड के लिए आवेदन, UDI में सुधार या परिवर्तन दोस्तों। ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आपको चूज करना है दोस्तों UDI में सुधार या परिवर्तन ऑप्शन दोस्तों। और
सबमिट बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएंगे और इस तरह से दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है ऑप्शन, वहाँ पे राशन कार्ड नंबर फिल कर लेना है और मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन पे मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और नए पेज ओपन हो जाएंगे। चलिए दिखाते तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे हम फिल कर चुके हैं, आप भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का पेज ओपन हो जाएंगी और इस तरह से दिखाई देंगे और सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे, किसका जुड़ा हुआ है किसका नहीं जुड़ा हुआ, आधार कार्ड से लिंक किसका है या किसका नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिखाई देंगे जो नहीं जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है वो किस तरह से दिखाई देंगे। दोस्तों जो जुड़ा हुआ है वह UDI का जो लास्ट 4 डिजिट होता है दोस्तों वो वहाँ पे दिखाई देंगे और जिसका नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी तरह से दिखाई देंगे वहाँ पे, तो आप उसे जोड़ पाएंगे। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नए पेज ओपन हो जाएंगे और इस तरह से आ जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP एक मैसेज आएंगे वहाँ पे और वह मैसेज भी आपको फिल करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरह से आप फिल कर पाएंगे इस फॉर्म को। दोस्तों यार धीरे धीरे आपको ऊपर करते हुए जाना है। ऊपर करते हुए जाने के बाद दोस्तों आपके सामने सारे फॉर्म दिखाई देने लगेंगे और इस तरह से कुछ दिखाई देंगे दोस्तों। जिसका जिसका UDI अपडेट करना है दोस्तों उसे आपका वहाँ पे उसका आधार वहाँ पे ऐड करना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं किस तरह से आप वहाँ पे ऐड कर पाएंगे। आप जिसका आधार लिंक करना चाहते हैं दोस्तों उसे उसका आधार नंबर यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों, और ऐड करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं उसे भी फिल करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन किस तरह से फिल करेंगे। ऑलरेडी जिसका आधार कार्ड लिंक है दोस्तों उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों किसी एक व्यक्ति को, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके नीचे में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स में से उसका आधार नंबर वहाँ पे डालना है दोस्तों। जिसका आप सेलेक्ट किए हैं उसी का आधार नंबर वहाँ पे डालना है और उसके नीचे में जो दिखाई दे रहा ऑप्शन OTP का दोस्तों आपका जो मैसेज आया हुआ है OTP वहाँ पे OTP डाल लेंगे, और डालने के बाद दोस्तों आपके सामने आगे जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डेटा सारा अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को दोस्तों आप अपने भविष्य के लिए उसे रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे, आप लिख के रख सकते हैं या आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का स्टॉप मत कीजिए, आगे और हैं वो बहुत ही आवश्यक है दोस्तों आपके लिए जानना, तो आप इस वीडियो को थोड़ा और देर तक देखिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है इसके बाद। दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट के नंबर के माध्यम से आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है दोस्तों। प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आपको उसे ब्लॉक में जमा कर देना है। ब्लॉक में दोस्तों आपको कहाँ जमा करना है दोस्तों, ब्लॉक में आपको EMO के पास जमा करना है, जो प्रखंड लेवल पे खाद्य आपूर्ति विभाग का जो ऑफिस होता है दोस्तों वहाँ पे उसी ऑफिस में आपको जमा करना है दोस्तों। वहाँ जमा करने के बाद दोस्तों आपका एक सप्ताह दो सप्ताह के बाद दोस्तों आपका वो ऑनलाइन वहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, आप चेक कर सकते हैं। और कहाँ से चेक कर पाएंगे वह हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।